दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप में रैम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं विजय राज टेक यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को ऑन कर लेना है और सबसे पहले हम करंट में जो भी इंस्टॉल मेमोरी है वो चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आपको सिंपली लेफ्ट साइड में दिस पीसी या फिर आपका जो माय कंप्यूटर का आइकॉन है उस पर सिंपली आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ पर अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंटली इंस्टॉल्ड मेमोरी जो है 4GB यहाँ पर देख सकते हो। सिस्टम टाइप 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे करंट में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 4GB रैम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे कैसे अपग्रेड करेंगे वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं 8GB की रैम जो है अपग्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 8GB की रैम पहले से ही परचेस कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं डॉल्जिस कंपनी की DDR4 2400 MHz की ये रैम मॉड्यूल है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। अमेज़ॉन में मुझे ये 2245 रुपये में जो है मिल गई थी ऑफ़र में। तो इसका जो प्राइस है 2000 रुपीज़ के आसपास होता रहता है। तो आप इसे सिंपली परचेस कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी आप ले सकते हैं इसे। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसे इंस्टॉल करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप रैम को देख सकते हैं। तो फिलहाल रैम को रख देते हैं साइड में और सबसे पहले अपने पीसी या डेस्कटॉप को सेट डाउन कर लेना है। उसके लिए शॉर्टकट आपको Alt+F4 यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिंपली सेट डाउन ऑप्शन को चूज़ करके ओके पे कर देंगे क्लिक, तो आपका जो सिस्टम है वो सेट डाउन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली अपना जो मेन स्विच है यहाँ पर ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद अगर SMPS का स्विच है तो उसे भी ऑफ़ कर लेना अपने CPU से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में कैबिनेट कैबिनेट में आपको साइड कवर देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्क्रू के आपको यहाँ से स्क्रू को निकाल देना है। स्क्रू को निकालेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका जो साइड कवर है कैबिनेट का इसे ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, साइड कवर को इसे हटा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई से कहते हैं। और यहाँ पे मदरबोर्ड देखने को मिल जाएगा आपको। मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पर CPU फैन लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक रैम लगी हुई है जो कि 4GB की है और हम इसी के एक साइड में एक स्लॉट है जहाँ पर 8GB के रैम को इस स्लॉट में लगाने वाले हैं। यहाँ साइड में देख सकते हैं एक हार्ड डिस्क है जो कि सारे डेटा को स्टोर करके रखती है। और यहाँ पर कुछ वायर्स हैं जो कि पावर रिस्टार्ट बटन से कनेक्टेड होते हैं, ये सारे फ्रंट पैनल वायर्स कहलाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसमें रैम को इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं रैम इस प्रकार की होती है। एक्चुअली में यहाँ ब्लैक सर्किट जो आप देख रहे हैं, चार ब्लैक कलर के सर्किट दिख रहे हैं, यही रैम होती है। और जो ग्रीन सर्किट है यह प्लेट होती है, यह PCB होती है। इसकी मदद से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं और बीच में जो है एक कट होता है जिसकी मदद से मैच करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे लगाते हैं यहाँ पर। तो इसे लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो स्लॉट है, खाली वाला स्लॉट है, यहाँ पर आपको इस स्लॉट में इसे फंसाना है। और यहाँ पर एक साइड में प्रेस लॉक लगा होता है, तो यहाँ जो प्रेस लॉक है उस पर आपको हाथ से लॉक नहीं करना है इसे, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसे प्रेशर से लगाना चाहिए, ठीक है। इसमें इसको फंसाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसे दबाएंगे तो प्रेशर से तो अपने आप ये लॉक हो जाएगा। तो इसे लगा देते हैं यहाँ पे। सो फाइनली हमने यहाँ पर सेकंड स्लॉट में रैम को अटैच कर लिया है परफेक्ट तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको भी यहाँ पे सेकंड स्लॉट में जो भी आपका स्लॉट खाली रहता है वहाँ पे आपको अटैच कर लेना है।
और ध्यान रखें ठीक से आपको अटैच करना है, नहीं तो आपका जो पीसी है वो स्टार्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो ध्यान से आपको अटैच कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना स्विच जो है स्विच बोर्ड से ऑन कर लेना है, और SMPS का स्विच है तो उसे भी ऑन कर लेना है। उसके बाद हम अपना जो CPU है उसका पावर बटन को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU का जो फ़ैन है वो घूमने लगा है, यानी रोटेट होने लगा है। तो यहाँ पे CPU स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सिस्टम को जो है बूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटर पे एक मैसेज शो होगा, CPU और मेमोरी चेंज्ड, प्लीज़ एंटर सेटअप टू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम। तो F1 यानी कि रन सेटअप करने के लिए आपको F1 प्रेस करना होगा, और आप जो है लोड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में भी चला सकते हैं सिस्टम को। तो F2 को हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे। तो F2 को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो बूट होने लगेगा, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है बूट होने के दौरान। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है बूट होना स्टार्ट हो चुका है। फाइनली यहाँ पे सिस्टम बूट हो चुका है, लगभग डेस्कटॉप स्क्रीन आ चुकी है। वापस से चेक कर लेते हैं कि रैम इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो इसके लिए लेफ्ट साइड में आपको दिस पीसी या माय कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है, और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोसेसर, इंस्टॉल्ड मेमोरी, रैम, सिस्टम टाइप, ये सभी की बेसिक जानकारियाँ यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे करंट में इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम जो है टोटल 12 GB हो चुकी है। पहले जो 4 GB रैम थी अब वो बढ़कर 12 GB हो चुकी है, यानी कि जो CPU के मदरबोर्ड में हमने सेकंड स्लॉट में 8 GB का रैम अपग्रेड या इंस्टॉल किया वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और अब 4 से बढ़कर 12 GB यहाँ पर रैम हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पीसी या डेस्कटॉप कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से रैम को अपग्रेड या इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।